मैं विशाल कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 9 की अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं और उस अलजेब्रा के सीरीज में हमने आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसके भी फॉर्मूला को हमने आपको डिराइव करके दिखा दिया। आज हम लोग जो एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ये जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है हम लोग इसको समानता बहुत हार्ड समझते हैं, लेकिन हम आज आपको इतने बढ़िया तरीका से बताएंगे कि फिर से ही आपको हार्ड कभी नहीं लगेगा। तो देखते हैं वो कौन सा फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं, तो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये फॉर्मूला देखने के बाद हमें लगता है कि ये फॉर्मूला बहुत ही कठिन है, पर ये फॉर्मूला कठिन नहीं है, बस आपको एक बार समझ लेने की आवश्यकता है। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का हम आपको साइड में फॉर्मूला लिखते चलेंगे कि किस किस फॉर्मूला का हमने यूज किया है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया, ए माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को हमने ये लिख दिया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और प्लस क्या बच गया आपको सी क्यू, और यहां पर क्या बचा माइनस 3abc। यहां तक समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए, अब क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब और प्लस सी क्यू को हमने एक जगह रखा, और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc को हमने क्या किया एक जगह रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और हमने फॉर्मूला बताया आपको कि जब भी फैक्टर यूज करेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, तो इस ए प्लस बी का होल क्यूब और सी क्यूब के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस सी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माइनस 3ab इसमें से कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3ab हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा ए प्लस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, सॉरी ए प्लस बी और प्लस सी, अब देखिए टोटल में से हमने ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ का a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आपको माइनस 3ab, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, और देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2ab में से माइनस 3ab हुआ तो क्या हुआ माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, मतलब आपको फॉर्मूला क्या आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आप देख सकते हैं आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्मूला को हमने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया, तो देखते हैं फिर से एक बार समझते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब ए क्यू प्लस बी क्यू को हमने फर्स्ट इस फॉर्मूला के अनुसार तोड़ दिया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब देखिए a प्लस बी प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यू को एक जगह रखा और इस टर्म को एक साथ रख दिया, कौन से कौन टर्म को माइनस 3ab
into a plus b minus 3abc. अब देखिए अब यहाँ से aq plus bq का ये second वाला formula हम use करते हैं, a plus b into a square minus ab plus b square, कोई problem नहीं है। तो अब यहाँ से आ गया a plus b plus c into a plus b का whole square minus c into a plus b plus c square और minus 3ab common ले लेते हैं। यहाँ से देखिए इस दो में से हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस थ्री ए बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ वाला क्या बच गया सी। अब देखिए अब इस टोटल टर्म में ए प्लस बी प्लस सी यहाँ है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ है, तो हम क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो ये टर्म यहाँ बचा और ये टर्म यहाँ बच गया। तो जब यहाँ से इसको तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर और ये गुणा करते हैं तो माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माइनस थ्री ए बी, क्लियर। अब यहां से क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी हो गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और टू ए बी में से माइनस थ्री ए बी घटा तो माइनस ए बी ए सी और बी सी लिख दिया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, क्लियर। आगे देखते हैं AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC के हमने फॉर्मूला आपको बताया। अब इसके आधार पे इसके कुछ डिराइवेशन है, इसके कुछ डिराइवेटिव्स हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए अच्छे से समझने की जरूरत है, ये एडवांस में भी आपको काम आएगा। तो देखिए हमने आपको बताया AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC is equal to A plus B plus C A square प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, इस फॉर्मूला को हमने आपको बता दिया। अब क्या करते हैं देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी को हम रहने दे रहे हैं और इस टोटल टर्म में हम क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी, गुणा करके। अब एक बात बताइए, जब इस टोटल टर्म में हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें वन बाई टू करना पड़ेगा या टू से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब अगर कोई पी बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है तो अगर हम अंश में इसके टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हर में भी क्या करना पड़ेगा टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां जब हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी वन बाई टू हमें करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रही होगी बात। तो वन बाई टू ए प्लस बी प्लस सी और अब देखिए टू ए स्क्वायर है ना, तो हम इसको लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया माइनस टू बी, क्या चाहिए हमें बी स्क्वायर, तो इस 2b स्क्वायर से एक b स्क्वायर हमने ले लिया, क्लियर। अब 2b स्क्वायर है तो यहां से हम एक b स्क्वायर ले लिए तो ये 2b स्क्वायर का काम हो गया। अब माइनस 2bc और अब bc आ गया तो हमको क्या चाहिए c स्क्वायर, इस c स्क्वायर से ले लिया। अब फिर देखिए अब c स्क्वायर हो गया तो 2c स्क्वायर और माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर जो इसका बचा था, क्लियर। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, वन बाई टू ए प्लस बी प्लस सी और यहां से देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख दीजिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे सी माइनस ए का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास फॉर्मूला एक सेकेंड आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू वन बाई टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया किस चीज का, AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC। आशा करते हैं कि इस दोनों फॉर्मूला को आप अच्छे से समझ पाएंगे।
कैसे यूज होगा अगले क्लास में हम लोग फॉर्मूला, बस हमने आपको भी फॉर्मूला का डेरिवेशन बताया, तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी सी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और सेकेंड फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी के फॉर्मूला पर एक बहुत ही अच्छा प्रमेय है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते हैं या आपको बहुत काम आएगा, तो हम उसको दोनों तरीके दो तरीका से आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, आप उसको देखिएगा। कहता क्या है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन प्रूव दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, या इसको ऐसे भी दे सकता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। दोनों चीज आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है या दो तरीका से सवाल को बनाया जा सकता है। देखिए अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि कोई डाउट ना रह जाए। तो एक चीज देखिए, फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है आपको, जो हमने अभी बताया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू, आपके पास क्या फॉर्मूला है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी और जीरो इंटू समथिंग कुछ भी, तो वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो। तो आपको क्या आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, ये प्रूफ हो चुका। बात समझ में आ रही है ना, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इतना बार लिख दीजिए कि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जीरो से किसी भी चीज में गुणा करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा, तो ये टर्म आपका क्या हो गया जीरो हो गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी सी इक्वल टू जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या आ गया थ्री ए बी सी। क्लियर, अब हम इसको दूसरे तरीके से आपको बताते हैं, सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि हमें वो फॉर्मूला पता नहीं है, क्या पता होनी चाहिए फिर भी हम मान लेते हैं कि वो फॉर्मूला हमें पता नहीं है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है जीरो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख दिया माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर घन करने पर, तो a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस सी का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा सी क्यूब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसको तोड़िए आप, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी बराबर माइनस सी क्यू। क्लियर, अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी का वैल्यू क्या है माइनस सी, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू माइनस सी क्यू, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। क्लियर हो गया, बहुत ही कठिन कठिन फॉर्मूला को हमने आपको आसान तरीका में समझाया, हम विश्वास करते हैं कि आपको ये सारे फॉर्मूला समझ में आ रहे होंगे, तो अपने इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जाके सब्सक्राइब कर लें कि जितने भी मेरे वीडियोज़ आपके पास
जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, थैंक यू।